हाय फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हमें शारदा माँ के मंदिर के जस्ट मेन गेट के पास, यहाँ से अगर आपको लिफ्ट से जाना है तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, और आपको जाना है पैदल तो पैदल भी जा सकते हैं, दोनों रास्ते यहीं से आपको जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, और वीडियो चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर माँ शारदा देवी मंदिर, एंट्री यहाँ से होता है, और हम लिफ्ट से चलते हैं। कल हनुमान धारा गए थे, मतलब एकदम हालत ख़राब हो गया था। अभी ये तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज लिफ्ट से चलते हैं, और आप लोगों को दिखा दे रहे हैं यहाँ से नज़ारा। बिल्कुल इधर से दिख रहा होगा, देखिए पीछे दिख रहा होगा ना आप लोगों को, तो ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और जाने आने में 1-2 घंटे लगेंगे, और हालत ख़राब हो जाता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि लिफ्ट से चले जाते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। आराम से वहाँ 1-2 घंटे रहेंगे, इसके बाद फिर आराम से आ जाएंगे। थोड़ा लिफ्ट का एक्सपीरियंस हम आप लोगों को बताएँगे कैसा है, ठीक है कि नहीं ठीक, जो भी होगा। में क्वालिटी कैसी आ रही है आप लोग थोड़ा बताइए। मार्केट देखो यहाँ पे, वो छोटा छोटा दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पे जूम करते हैं आपको। उसी से जाना है, यहाँ पे अगर आप नए हैं आपको पता नहीं है तो यहाँ पे लूटने वाले बहुत से लोग हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पूरा लूट लेंगे पूरा। जहाँ देखिए तहाँ 10 रुपये रखिए, यहाँ 20 रुपये रखिए, 100 रुपये रखिए, 40 रुपये रखिए। हाँ भैया, अब आप अपना नाम बता दीजिए, अब यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ बताएँगे आप, आपका नाम क्या? रोहित सिंह। रोहित सिंह नाम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आए माँ शारदा माता जी के मंदिर के जस्ट पीछे हैं, बैक साइड में, और यहीं से लिफ्ट है और बगल से सीढ़ी भी है, आप दोनों रास्ते से जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिले हैं छोटे भाई साहब, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, यहीं के निवासी हैं, बताएंगे कुछ? जी, मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है, शाम को 8 बजे बंद हो जाता है, और यहाँ 3 जाने के लिए हैं, 1 रोपवे जिसका 150 रुपये लगता है आना जाना, मारुति वैन है, 500 रुपये लगता है 7 आदमी का, और सीढ़ी है। ठीक है, आप लोग आइए दर्शन करिए माता रानी की। तो लिफ्ट से जाने में कितना लगता है? 150 रुपये जी। उसका वैलिडिटी होता होगा ना, कि इतने घंटे में आना नहीं। जाना है आपको वो कि बस आप 24 घंटे के लिए ना, मतलब यहाँ से अगर आप टिकट लेते हैं तुरंत, तो आपको जाना है कब, मतलब तुरंत टिकट लीजिए चले जाइए, 24 घंटे में आप रिटर्न आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मान्य होगा। अच्छा, टोकन नंबर रहेगा, तो यही बताएँ। तो इस टाइम हम कहाँ पर खड़े हैं? स्वास्तिक बिल्डिंग। और यहाँ से जाना हो तो मेन गेट से किधर जाना पड़ेगा, अगर कोई ऑडियंस देख के आए तो? पीछे से और इसके बाद आगे लिफ्ट के लिए यहाँ से आगे से है। अच्छा, आगे से है जी। तो हम यहाँ से कैसे जाएं? सीधा सीधे जाइए, बड़ा सा गेट है फिर आगे। अच्छा अच्छा, तो फिर वहाँ से लिफ्ट मिलेगा, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ से हम चलते हैं लिफ्ट के पास, लिफ्ट से वहाँ से चलते हैं ऊपर, इसके बाद वहाँ से फिर आराम से आप लोगों को ऊपर का भी दिखाएंगे। जितने लोग लाइव जुड़े हैं कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ का चार्ज आपको पता हो ही गया होगा, 150 रुपये है जाने का भी आने का भी, और एक छोटी वैन जो होती है ना, वो उसका नाम भूल गए क्या बोलते हैं, 500 रुपये देगा, 7 आदमी उसमें जा सकते हैं।
तो हम तो यही कहेंगे आप लिफ्ट से जाइए, जल्दी पहुँचेंगे और कम समय में पहुँचेंगे। तो अगर लिफ्ट से जाना हो तो यहीं से एंट्री करेंगे मेन, देखो यही है इधर का द्वार, उसके बाद यहाँ से एंट्री करते हैं, इसके बाद अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा व्यू। तो यहाँ से माता रानी का दर्शन करना हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यही चाहेंगे अगर आप लोग को जाना हो तो टाइम से आइए, तभी टोकन मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है लेने में। भीड़ बहुत ज़्यादा, इस टाइम हम आ चुके हैं काउंटर के पास, यहाँ पे पीछे काउंटर है, टिकट काउंटर देख लीजिए, लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से आप तुरंत लेते हैं और उसके बाद चलते हैं ऊपर, और ऊपर भी आप लोग बताएंगे। आप लोग कुछ बोलेंगे? तो यहाँ पे टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टिकट का प्राइस जो है 150 रुपये आने का भी और जाने का भी, और इसका वैलिडिटी 24 आवर्स यानी 24 घंटे हैं, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा लाइन लगा हुआ है यहाँ पर। ये देख लीजिए पीछे रात में जब फोन करिए अभी लाइन में लगल रही तो हम एक और सूचना बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें हम पार्ट वाइज देंगे, जैसे मैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऐसा करके, क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो हम इसको पार्ट वाइज देंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ जितना मतलब वीडियो यहाँ का रहेगा सब पार्ट वाइज रहेगा। अगर अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो चलिए टिकट लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को काट देते यहाँ से जस्ट पीछे से लोग जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर के पास, और यहाँ से टिकट लेना है, टिकट लेने के बाद ऐसे जाएंगे और वहाँ से फिर लिफ्ट मिलेगा, उसके बाद ऊपर जाएंगे अपन। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, तुरंत मिल जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन टिकट बुक करने पर प्रतीक्षा का समय कम लगेगा, ऑनलाइन टिकट धारकों के लिए अलग से लाइन बनाई गई है। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन टिकट लेना हो तो आप लोगों के लिए एक अलग लाइन बनाई गई है, जिससे कैश लेना हो इस लाइन में आ जाए और उधर भी। तो ये नोटिस लिखा हुआ है यहाँ पर काउंटर नंबर 1 पे, आप आइए कभी भी, यहाँ नोटिस पूरा हम बता दे रहे हैं आपको, जो भी होता है वही बोल रहे हैं। सुबह सुबह का मौसम है, धूप अच्छा, अभी धूप नहीं हुआ है। ये काउंटर है, बस ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसके बाद लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं पूरा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।